हेलो अली माला माला साहब मुझे भी बढ़ाओ हल्का सा शार्प करके लाउट करो माला 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 हेलो ये मेरा जागना सोना है सब अली के लिए सरपंच साहब इल्तमास अगर जनाबे अली जैसी बात हो जाए तो तेरी मुट्ठी में ये कायनात हो जाए जनाबे मौला अली का इधर इशारा हो उधर खुदा की तरफ से निजात हो जाए हम अली वाले हैं और दिल से है मेरी गुजारिश है कि बहुत सुकून के अदब के साथ आप लोग समाप्त फरमाइए इसे शार्प करके लाउड करो ये बहुत बेस में आ रहा है हेलो ये मेरा जागना सोना है सब अली के लिए न कोई मेरे लिए किसी के लिए ये मेरा जागना सोना है सब अली के लिए न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए वो देखने में फकत बोरिया नशी था मगर ये कायनात बनी है मगर उसी के लिए ये भूखे रह के भी औरों का पेट भरता है फकीर पूछ रहे हैं मगर उसी के लिए आहा ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मौत ओढ़ के सोया है जिंदगी के लिए जो मौत ओढ़ के अली वली है अली का मकाम किसको मिला नबी के दिल का खजाना तमाम किसको मिला सहाबार भी है हजरत मोहम्मद के खुदा के शेर का दुनिया में नाम किसको मिला तो वो है अली माला 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 अली
नारे पंजतन के अगर सुन रहे हो तो सुना रहा हूं, इल्तमास है मेरी। चार मिसरे सुनो। ये मंजर देखते ही हर नजर हैरान होती है कि जब मजहब की खातिर जिंदगी कुर्बान होती है, वो नंगे पांव इस धरती पे चलते हैं अलम लेकर, अली के चाहने वालों की ये पहचान होती है। जहां भी जिक्र होता है मोहम्मद के नवासों का, कयामत तक वहां की सरजमी जिशान होती है। अली मुश्किल कुशा हरदम मेरी इमदाद करते हैं, उन्हीं के नाम से मुश्किल मेरी आसान होती है। मेरी गुजारिश है कि बहुत सुकून के बैठकर आप लोग कव्वाली सुने, मतला नजर कर रहा हूं, समाज फरमाए। सरपंच साहब, या अली माला या अली माला, ये मेरे माला अली माला, Oh, oh, oh.
गुलाम शहे मशरिकैन लिख देना। सूरत प्यारी में इंशाल्लाह बाद में सुनाऊंगा, पढ़ने दो अभी। सारे बुजुर्गों की सूरत प्यारी है और मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जो तमाम बुजुर्गों के बादशाह हैं। अली वाले कितने बैठे हैं इस महफिल में? अभी दुबई से दो ढाई घंटे की फ्लाइट है। तारी ला दिया भाई, जिसको योको कहते हैं, अजहर भाईजान के नाम से जाना जाता है। तारिल के इकबाल, सुनने वाली बात है, मैं इस महफिल में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो वाकये गुजरने चाहिए, जो वाकये गुजरते हैं वो सामने भी बताने चाहिए। अजहर भाईजान एक ऐसी कंट्री है जो बहुत गर्म इलाकों के अंदर एक ठंडी कंट्री है जहां बर्फ पड़ती है। तार हिल गया, तार हिल गया भाई, जरा लगाना यार इसका तार। स्टेज पे से नीचे उतर जाएं आप लोग तो बड़ी मेहरबानी। जुनेद भाई, महेश भाई, मेरा परसों जाना हुआ योको में, मैंने वहां के लोगों से पूछा, हाशिलिल्ला मैं अपने स्टेज पर हूँ, यार इतनी ठंड में रहते कैसे हो? जहां दुबई में 48 डिग्री था वहां -2 था। तो कहने लगे आप हाशिलिल्ला यकीन के साथ कि हम अली का नाम लेते हैं और रहते हैं, मलाए कायनात के नाम का मजार है बाकायदा, और मजार भी इतना खूबसूरत है कि बर्फ से ढका हुआ है। तो हम अली वाले हैं, हमारी खुश नसीबी का सबब देखें। मेरे वालिद एक दो मिसरे पढ़ते हैं, ये चार मिसरे पढ़ते थे, जो दिल में इश्क़े नबी नहीं है तो सजदा रेजी से क्या मिलेगा, करेगा दागे जबी का क्या तू नबी मिले ना खुदा मिलेगा। अली के होके अली को ढूंढो, अली मिले तो नबी मिलेंगे, अरे नबी का दामन पकड़ लिया तो कसम खुदा की खुदा मिलेगा। अली वालों से तवज्जो चाहूंगा, दो मिसरों पर तवज्जो दें। रसूल अल्लाह ने मिंबर पर खड़े होकर ये फरमाया,
ये माला दे दी, किसी ने अंगूठी पहना दी। मेरा यकीन है सरपंच साहब, अली का वो नाम है कि सिर्फ दीन ही नहीं, दुनिया दुनिया ही नहीं, दीन भी मिल जाता है उनकी, उनके नाम लेने से। एक शायर कहते हैं, अब मैं समझा मुझे क्यों सबने वली लिखा है। अगर अली वाले हो तो सुभान अल्लाह जोर से कहना, अभी नहीं, बाद में। अब मैं समझा मुझे क्यों सबने वली लिखा है, मेरे माथे पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। और दीन के रहबर सदा